हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे रिजर्वेशन में सफ़र कैसे करें और उसमें टॉयलेट बाथरूम को कैसे इस्तेमाल करें और क्या क्या सरकार ने सेफ्टी दे रखी है। तो दोस्तों बताते हैं आज के इस वीडियो में। ये देखो डस्टबिन है, इस डस्टबिन को हमने खोला और इसमें कूड़ादान डालना है। ये हम चलते हैं टॉयलेट के पास और ये आ गया है दूसरे डिब्बे का दरवाज़ा। ये दूसरे डिब्बे में ऑन ऑफ का भी गेट है। ये देखो शटर हैं ये लगे हुए और ये दूसरे डिब्बे में चले जाएंगे, बोगी में, यानी कि यहाँ से जॉइंट कर रखी है इन्होंने। अब जाते हैं हम ये टॉयलेट में। टॉयलेट में दोस्तों किस कदर सुविधा दे रखी है सरकार ने, स्वच्छ भारत मिशन का पूरा एकता का शीर्षक है। तो दोस्तों ये हमने लॉक कर दिया है क्योंकि दूसरा आदमी डिस्टर्ब नहीं करे। अब हम तुमको बताते हैं, देखो कपड़े टांगने के लिए नहाने की व्यवस्था है और जी की ये देखो सिंक लगा रखा है और टोटी है, ये टॉयलेट है। ये देखो घरों में भी इतनी सुविधा नहीं मिलती जितनी कि ये रिजर्वेशन सीट में मिलती है। इससे आप ये जो पाइप है इससे आप अपनी पोटी धो सकते हो इससे जो पोटी है उसको बहाने के लिए इसे 5 सेकंड दबाएं तो ये पोटी पूरी अंदर चली जाती है। ये देखो कितने ये कितनी तगड़ा जुगाड़ दे रखा है। ये कूड़ादान कूड़े में ही डालें इसके लिए है। ये गिलास है उधर से हवा आने के लिए, ये कूड़ेदान के लिए हैं। और ये देखो इसे खोल के आप कूड़ेदान में से कुछ निकाल भी सकते हैं और डाल भी सकते हैं। ये किसी का अंडरवेयर पड़ा है इसको नहीं लेना है। ये देखो इस हेडलाइन को जरूर पढ़ेंगे, शौचालय आधुनिक फ्लेशिंग सिस्टम से सुनिश्चित किया गया है। फ्लेशिंग करने के लिए कुछ समय से दबाए रखें। तो दोस्तों आई होप आप समझ ही गए होंगे। मैं इसे खोदता हूँ, नहीं खुलेगा। ये देखो ये जो आप टोटी देख रहे हो इसे हवा के प्रेशर से चलती है। ये गिलास है, सॉरी मेरा चेहरा सामने आ गया है, इस चेहरे को कट करो यार, क्या कर दिया भाई। ये लॉक है, इस लॉक को भी लगाना जब अगर आप ऑफिस में बैठो इसमें पोटी करने के लिए, तो इस लॉक को ज़रूर लगाना नहीं तो दूसरा आदमी आपको डिस्टर्ब करेगा। ये लॉक ऊपर वाला खुलता नहीं है, तुम्हें खोलोगी और ये जो नीचे वाला, ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी फॉर्म आ रहा है जिससे आप अपने दांत धो सकते हो। ये आपको हाथ से धोने की ज़रूरत नहीं है, ये और इसको टांग सकते हो ऊपर लाइट। आप पीछे से पहुँच जाते हो तो वहाँ से पानी जाए, इसमें एयर होता है तो ये पाइप का जो पानी है